हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सभी पबजी यूजर्स के लिए, ऑनलाइन गेमिंग करने वाले। तो यार देख लीजिए, आईपैड व्यू कितना अमेजिंग आईपैड व्यू होने वाला है। तो देख लीजिए, रिकॉइल भी बहुत ही बढ़िया कंट्रोल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ रिकॉइल। अब देख लीजिए चलता है एटो कैसे फूटता है भाई, देख लीजिए कैसा एटो कैसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय, 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, देख लीजिए। और वो भी M249 6X का स्प्रे है, देख लीजिए स्प्रे आपके सामने कितना ओपी स्प्रे दे रहा हूँ, ये पैटा स्प्रे, ये देख लीजिए एटो ब्लास्ट हो जाता है पूरा। तो देख सकते हैं आप कितना ओपी स्प्रे दे सकता है ये आईपैड व्यू से आप। तो यार आपको अगर आईपैड व्यू आपके मोबाइल में चाहिए तो यार वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले पहली बात, मतलब आईपैड व्यू के बहुत सारे फायदे, देख लीजिए आपको जो है आपका जो लॉन्ग रेंज का स्प्रे जो होता है बहुत ही बढ़िया स्प्रे हो जाता है, और रिकॉइल बहुत ही अमेजिंग कंट्रोल होता है। देख लीजिए आपके सामने M249 6X का है स्प्रे, अगर आप M4 का स्प्रे मारेंगे तो यार बहुत ही हिलेगा भी नहीं है, यार मैं तो बोल रहा हूँ हिलेगा भी नहीं, जबकि जैसे कि वैसे स्प्रे बैठेगा। और ये आपके कोई भी डिवाइस में हो सकता है, MI का कोई भी डिवाइस, अगर आपका दूसरा रियलमी वियलमी सब मोबाइल हो गए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं हर मोबाइल का सेपरेट वीडियो बना के दूंगा अगर आपको आपके मोबाइल में भी चाहिए। सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टार्ट में अबाउट फोन में चले जाना है। अबाउट फोन में देख लीजिए, अबाउट फोन में जो नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देख लीजिए MIUI वर्जन, यहाँ पे आपको टैप टैप करते रहना है, आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्च बार में डेवलपर ऑप्शन सर्च कर लेना है, मैं सर्च कर रहता हूँ डेवलपर्स ऑप्शन। तो देख लीजिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है डेवलपर ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद देख लीजिए सबसे नीचे स्क्रॉल करना है आपको, सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद देख लीजिए ये जो आ रहा है फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल, इसको आपको ऑन कर देना है, या आपको ऑफ रहने वाला है ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद सब क्लोज करके देख लीजिए, ये जो रिसाइबल होता है ये आपका जो स्प्लिट स्क्रीन में आपको अलाउ कर देता है, स्प्लिट स्क्रीन ये जो स्वाइप करते हैं उसको अलाउ करता है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद मोबाइल को रिबूट कर देना है, रिस्टार्ट कर देना है मोबाइल को। तो ये रिस्टार्ट कर देता हूँ मैं मोबाइल, तो मैंने रिस्टार्ट कर दिया है मोबाइल। तो रिस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपका पबजी मोबाइल ओपन कर लेना है। मैं ओपन हो देता हूँ, पबजी मोबाइल ओपन होने देता हूँ। तो ये दोस्तों इससे आपका रिकॉइल भी बहुत बढ़िया कंट्रोल होने वाला है, और आपका जो गेम प्ले है उसमें बहुत इफेक्ट आने वाला है। मतलब आप जो लॉन्ग रेंज स्प्रे देते हो, मतलब ज्यादातर आप इरेंगल खेलते हो तो एंडिंग के जोन में क्या होता है आपके लॉन्ग रेंज स्प्रे बैठते नहीं अच्छे से, या फिर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं साउंड क्लोज कर देता हूँ। तो लॉन्ग रेंज स्प्रे देने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो देख लीजिए मेरा लोड हो चुका है पबजी मोबाइल, और मेरा खुद रेडमी का मोबाइल है इसलिए इसमें भी आईपैड व्यू मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ इसमें आईपैड व्यू। तो मेरा ओपन हो चुका है, इसके बाद आपको क्या करना है देख लीजिए, मेरा पहले सिंपल व्यू, उसके बाद आपको इस पर रिसेंट्स पे टैप करना है, इस पर दबा के रखना है, और इक्वल टू के जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। ओपन होने के बाद ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इसके बाद आपको ऊपर से नीचे स्वाइप करके रोटेट का जो ऑफ है उसे ऑफ कर देना है, ऑन जो रहेगा उसको ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद मोबाइल जब रोटेट करेंगे तो ऐसा रोटेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसे डायरेक्टली भी स्वाइप कर सकते हैं, डायरेक्टली स्वाइप करने के बाद आपका अगर आईपैड भी ओपन हो जाता है तो ठीक। तो देख लीजिए ऐसे आईपैड भी बन चुका है मेरा, और अगर आपका MI में अगर नहीं हो रहा है तो आपको और एक ट्रिक बताता हूँ, देख लीजिए फिर से रिसेंट में। तो अब किस किस ने क्या करता है, अगर आप ऐसे देख लीजिए, मैं 1 मिनट रिसेंट ओपन कर लेता हूँ, अगर आपका ऐसे रिसेंट ओपन होने के बाद गेम लोड होने देना है, साउंड सुनना है, इसके बाद अगर आप ऐसे स्वाइप करते हैं और अगर आपका नहीं ओपन होता है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको रिसेंट में जाना है, इसको इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद ये जो वर्किंग ऐप का इसे स्लो स्लो करना है, एंडिंग तक स्लो लेके जाना है, एकदम स्लो स्लो देख लीजिए, बहुत स्लो स्लो लेके जाना है, और बहुत धीरे से छोड़ना है एंडिंग पे लेके जाके। और जैसे ही छोड़ेंगे देख लीजिए गाइस, बूम आपकी स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो चुकी है, और ऐसे ही आपका वीडियो बिल्कुल ही बहुत और ऐसे ही आपका जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप अगर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं ट्रेनिंग में जा सकते हैं, जैसे आपका आईपैड भी आपके मोबाइल में हो जाता है। तो यार उम्मीद है आप सबको, तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहते हैं। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी स्प्लिट स्क्रीन वगैरह और कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।